नमस्कार, मैं हूं संजय गौड़ और आप देख रहे हैं पुलिस पंचायत की विशेष। पिछले कई दिनों से मानसिक प्रताड़ना झेल रहे ग्राम पंचायत बावल के सचिव ने आत्महत्या कर अपने जीवन लीला को समाप्त कर लिया था। बताया जा रहा है कि जो सुसाइड नोट मिला है उसमें यह स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि वह आत्महत्या क्यों कर रहा है। उसमें जनपद का एक सदस्य और सरपंच का नाम भी आने की बात कही जा रही है। आखिर क्या है इस पूरे मामले में, एक ज्ञापन के माध्यम से एसपी को उन्होंने अवगत कराया। आइए देखते हैं रिपोर्ट। इसमें समय मिल रहा, लेकिन हमारे कहीं जब सचिवों की जब एफआईआर होते तो उसको मौका भी नहीं दिया जाता श्रीमान। ये कम से कम दोनों पक्ष को बराबर न्याय मिलना चाहिए। आज पूरा जितना हमारा सचिव पूरा संघ है वो जिले के, उन्होंने ज्ञापन दिया है और उस ज्ञापन का आशय ये कि क्योंकि हमारा जो जनपद पंचायत जावद में ग्राम पंचायत बावल है उसमें सुरेंद्र सिंह वहाँ के सेक्रेटरी थे और उनके द्वारा सुसाइड किया गया है। और सुसाइड के करते वहाँ जब पुलिस ने देखा एक सुसाइड नोट मिला है, उस सुसाइड नोट में दो लोगों के नाम आए हैं। तो हमने ये पूरा संपूर्ण जो है अनुसंधान एसडीओपी जावद को दिया है क्योंकि सुसाइड नोट के साथ साथ में परिवार वालों के कथन ये सब प्रक्रिया को पूर्ण करके और हमने इसमें कार्रवाई के लिए हमने आश्वस्त भी किया है और इसमें हम जो है अपराध पंजीबद्ध करेंगे। मध्य प्रदेश पंचायत सचिव संगठन है जो कल ग्राम पंचायत बावल के सचिव सुरेंद्र सिंह द्वारा आत्महत्या का जो प्रकरण हुआ उसमें सुसाइड नोट प्राप्त हुआ उसके संबंध में हम ज्ञापन देने आए हैं, क्योंकि आत्महत्या कोई ऐसे नहीं कर देता। कहीं ना कहीं मानसिक प्रताड़ना से परेशान होकर उस व्यक्ति ने ऐसा कदम उठाया। इसके पीछे सुसाइड नोट में जो दो नाम आए उन व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर ज्ञापन भी दिया एवं हम चाहते हैं कि सुरेंद्र सिंह जी का कार्यकाल के जितनी भी जाँचें हैं सब की जाए ताकि पता चले कि वास्तविकता क्या है। और वो एक माह से लगभग परेशान था, परिवार वालों से जो चर्चा हुई इससे पता चला कि कुछ अलग से गुमसुम रहते थे जिससे काफ़ी एक माह से परेशान थे। जो कल इन्होंने कदम उठा कर आत्महत्या की, हम चाहते हैं माननीय कमलनाथ जी मुख्यमंत्री, पंचायत मंत्री कमलेश्वर पटेल जी और क्षेत्र के हमारे प्रभारी मंत्री हुकम सिंह जी कराड़ा जी से भी निवेदन करना चाहता हूँ कि इसकी पंचायत की पूरी जाँच की जाए और जितनी भी बावल ग्राम पंचायत के संबंधित सचिव की पूरी जांच की जाए निष्पक्ष और उसको न्याय मिलना चाहिए उसके परिवार के लोग। सुसाइड नोट में दो नाम कौन से आ रहे हैं आप बताएंगे? ये सरपंच का नाम बताया गया और कोई भक्तिराम जाट और कोई जिला पंचायत सदस्य का नाम दिनेश बेरा, इनके नाम आए उसमें सुसाइड नोट। ठीक है, आप जाते हैं इन पर कार्रवाई हो, जो भी दोषी व्यक्ति कार्रवाई हो उसमें काल डिटेल में आता है, समस्त पर कार्रवाई होना चाहिए। इसके अलावा और भी हो तो उन पर कार्रवाई होना चाहिए। निर्दोष व्यक्ति पर कार्रवाई नहीं होना चाहता, हम ये चाहते हैं न्याय मिलना चाहिए।